वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 20 दिसंबर, तो चलिए देखते हैं अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बताना चाहूँगी, आज है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि ये यूनिटी के लिए जानी जाती है, और इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड ऑल्सो द लैंड ऑफ यूनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर वन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गंगा एक्सप्रेस वे इन विच डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़, गंगा एक्सप्रेस वे बनने वाला है शाहजहानपुर। शाहजहानपुर में बनने वाला है गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में। ये एक्चुअली में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करेगा। इसका जो लेंथ है वो है 593 किलोमीटर, और कॉस्ट है 36,230 करोड़। तो कॉस्ट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 36,230 करोड़, और जो लेंथ है वो है 594। जी हाँ, ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है और ये 6 लेन में बनाया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक ये कनेक्ट करने वाला है। टू, टाइफून राय हिट विच कंट्री। तो जी हाँ, टाइफून राय जो कि काफ़ी न्यूज़ में है वो हिट करने वाला है फिलीपीन को। फिलीपींस जो है वो साउथ चाइना सी में है। यहाँ पर देखिए, ये लोकेशन आपको ज़्यादा क्लियर करेगा। यहाँ पे है फिलीपीन, और फिलीपीन के पास में आने वाला है ये साइक्लोन जो कि पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी को इम्पैक्ट करने वाला है। ये जो साइक्लोन है इसे टाइफून कहते हैं क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन में आया है, और ये साइक्लोन फिलीपीन के काफ़ी रीजन्स को इम्पैक्ट करने वाला है जो कि इस पिक में दिख रहा है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ अभी वर्ल्ड अफेयर का कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनोग्रेटेड ऋषि रूड यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया है ऋषि हुड यूनिवर्सिटी। ये इनोग्रेशन किया गया है दिल्ली में। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि ये मॉडर्न गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है। जी हाँ, बिल्कुल, गुरुकुल जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, और ब्रिटिश एम्पायर के आने से पहले इंडिया में यही सिस्टम फॉलो किया जाता था। तो उसी को एम्पावर करने के लिए, इंडियनाइजेशन एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए ऋषि हुड यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जा रही है। कहाँ? ये दिल्ली में है, और इसका इनोग्रेशन किए थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू विजय भवन में। क्वेश्चन नंबर फोर, हु हैज़ रिसीव्ड ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, अजीम प्रेमजी, गौतम अडवाणी, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला। तो देखिए, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप के फाउंडर कुमार मंगलम को दिया जाता है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो इंडस एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार किसी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को ये अवार्ड दिया है। इससे पहले ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे जेफ बेजोस, सत्य नडेला, एलन मस्क को ये अवार्ड मिला था। तो ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच स्टेट हैज़ लॉन्च। बिल्कुल जल्दी जल्दी ही कवर किया जाएगा क्योंकि आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टाइम। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एक्शन ऑफ यूथ, जिसको सहाय कहेंगे? तो कौन सा राज्य सहाय स्कीम लेकर आया है? तो वो राज्य है झारखंड। जी हाँ, झारखंड में आया है सहाय स्कीम जिसके अंतर्गत स्पोर्ट टैलेंट को उभारा जाएगा, स्पेशली मोएस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो झारखंड में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है जो कि मोएस्ट हिट है, और ऐसे में उनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यंग स्पोर्ट टैलेंट स्टार्ट किया गया है झारखंड गवर्नमेंट श्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो ये हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर, और ये इनोग्रेट किए हैं सहाय स्कीम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, और वो बने हैं अरविंद कुमार। जी हाँ, अरविंद कुमार जो हैं वो चेयरमैन हैं टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन से एक बार देख लेते तो देखिए, विवेक चौहरी जो हैं वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के हेड। अगर हम रविंद्र भाकर की बात करें तो ये बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन। तो याद रखें, इनका नाम भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन।
आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बनाया गया था 1991 में, और ये STPI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन अवार्डेड फॉर गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। तो ये अवार्ड दिया गया है सेल को, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है और सेल को ये थर्ड टाइम्स दिया गया है। अगर आवाज़ में कोई इशू है तो प्लीज़ बताएं। एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड गोल्डन पिक अवार्ड दिया गया है सेल को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट डे? जी हाँ, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हमने कब सेलिब्रेट किया था? हमने ये डे सेलिब्रेट किया था, बताएं, 18 दिसंबर को, ठीक है। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम बताएं, इसका थीम है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पे शेयर किया गया है। तो क्लॉक की स्टिकिंग, ये थीम है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का, ठीक है। ऑलरेडी UPPCS एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ चुके हैं। इनइक्वालिटीज एंड एड, ये थीम है एड्स डे का, इनइक्वालिटीज। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एडवांसिंग ह्यूमन राइट, जी हाँ, ये ह्यूमन राइट्स डे का थीम है, तो याद रखें। और हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ये इंटरनेशनल माइग्रेंट डे का थीम है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया है साइन एन एग्रीमेंट विद द जर्मनी ऑफ यूरो 442.6 मिलियन फॉर विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है KfW, उसके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है ताकि मेट्रो रेल को डेवलप किया जाए। तो ये किया गया है सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान रखें, यूरो 442.6 मिलियन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, और ये साइन किया गया है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है सूरत मेट्रो रेल के डेवलपमेंट के लिए जर्मनी के KfW कंपनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी डिफेंस PSU हैज़ डेडिकेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी की जा रही है और प्राइवेट कंपनीज को चांस दिया जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी 7 PSU कंपनी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में रजिस्टर्ड हो और इंडिया के लिए डिफेंस प्रोडक्ट बनाए। तो वो जो 7 कंपनीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके नाम जान रहते हैं। ये सारे PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि म्यूनिट्रिशन इंडिया लिमिटेड, न्यूट्रिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मोर्ड वेकन निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड, यात्रा इंडिया लिमिटेड, इंडिया ओपटल लिमिटेड, ग्लैडर इंडिया लिमिटेड। ये सारी 7 कंपनीज हैं जिसका अभी हाल में इंक्लूड किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, और ये डिफेंस PSU बनाएंगे। सबसे पहले वीडियो में होगा होमवर्क और फिर वीडियो के अंत में होगा GK क्विज। हु हैज साइन लेटर ऑफ इंटेंट ऑन डिजिटल मीडिया विद वियतनाम? तो वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने साइन किया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओम बिरला, जयशंकर सभी वहाँ मौजूद थे, लेकिन अनुराग ठाकुर ने डिजिटल मीडिया में साइन किया है। हु हैज़ बिकम STFI लीजेंडरी क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो वो हैं सुनील गवास्कर। देखिए, लीजेंडरी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो सुनील गवास्कर हैं। STFI है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने विमेन ऑफ द ईयर किसे अवार्ड दिया था? मीरा बाई चानू को, ठीक है। और मेन तो हम सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा। चलिए देखते हैं GK क्विज। व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग अभी रिपोर्ट आई और इंडिया की क्या रैंकिंग आई है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अग्नि प्राइम? अग्नि प्राइम का रेंज क्या है? दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।